नमस्ते, हम हैं नोनी गौरी और यहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुई है। अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह चल रहा है दोस्तों, और वन्य जीवों का महत्व अनन्य साधारण है, मारना नहीं चाहिए। और इस उपलब्धि पर आज हम लोग देख रहे हैं, यहाँ ये लोनी गौरी गांव है, तहसील मेकर, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र प्रदेश में। काफ़ी शोर मचा हुआ है, भीड़ काफ़ी है, घर के अंदर घुसने तक जगह नहीं है। लोगों ने बहुत ही भीड़ मचा कर रखी है और यहाँ पर जीने का ऊपर जो है ना किला है। अरे धामने सावली दाना सावली मैडम, छावे लाओ इसको, मैडम छावे लाओ इसको। दोस्तों धामन सांप बिन जहरी, चूहों घुसों का नाश करी। वन्य जीव सप्ताह के उपलब्ध में सर्प मित्र वनिता आज लोनी गौली गांव में, आप लोग देख सकते हैं काफी भीड़ यहाँ पर है, लोग इकट्ठा हुए। घर के अंदर सज्जे के ऊपर सांप बैठा था, जिसको यशस्वी रूप से मैडम जी ने पकड़ा है, और करीबन 100-200 लोगों की यहाँ भीड़ इकट्ठा हुई है। दोस्तों सर्प मित्र वनिता ना ही केवल सांपों को पकड़ती है, बल्कि सांपों के प्रति समाजों में लोगों में जागरूकता भी फैलाती है और जन जागरण भी करती है। धामन सांप बिन जहरी, चूहों घुसों का नाश करी। गौली गांव मध्ये इथे आदरणीय खंडारे यांनी फोन करून आम्हाला बोलवलं आणि मोठा साप इथं पकडला गेलाय। हा साप शेतकऱ्यांचा मित्र आहे, धामण आहे, कृपया या सापाला कोणी मारू नका। आपण एक म्हण या सापाचे बनवले, धामण साप बिनविषारी, उंदीर घुशींचा नाश करी। मित्रांनो सर्पमित्र वनिता आपण यांना पाहतोय, जगातील पहिला महिला सर्पमित्र, नारी शक्ती पुरस्कार प्राप्त, वने वन्यजीव निसर्ग आणि पर्यावरणासाठी समर्पित भावाने काम करणाऱ्या सर्पमित्र वनिता यांनी आज वन्यजीव सप्ताहाच्या औचित्यावर इथे लोणी गवळी गाव तहसील मेकर जिल्हा बुलढाणा महाराष्ट्र प्रदेश मध्ये सुंदर सापाला पकडलेला आहे। आपण या सापाला बघतोय, तुम्ही माझ्या मागे म्हणायचंय, धामन साप बिनविषारी, एकदा जोरात धामन साप बिनविषारी, उंदीर घुशींचा नाश करी, धामन साप बिनविषारी, उंदीर घुशींचा नाश करी, पुन्हा एकदा धामन साप बिनविषारी, उंदीर घुशींचा नाश करी। धन्यवाद मित्रांनो, पकडलेला साप वन्यजीव सप्ताहानिमित्त आपण वन विभाग मेकर यांच्या परवानगीने नैसर्गिक आदिवासामध्ये जगण्यासाठी जिवंत सोडून देणार आहोत। आपल्या सर्वांचे खूप खूप आभार आणि धन्यवाद। साप वाचवा, पर्यावरण वाचवा, कोणी सापाला मारू नका। धन्यवाद मित्रांनो। आपण पाहतो आहे सर्पमित्र वनिता यांनी लोकांमध्ये सापाविषयी प्रबोधन केल्यामुळे त्यांनी सापाला हात लावण्याचं प्रात्यक्षिक जे आहे प्रत्यक्ष करून घेतलंय। इथे महिला आहेत, युवती आहेत, युवक आहेत आणि गावातले संपूर्ण नागरिक आहेत। 1975 वन्यजीव कायद्याअंतर्गत सापाला मारणे हा गुन्हा आहे, कृपया कोणी सापाला मारू नका। साप वाचवा, पर्यावरण वाचवा। सर्पमित्र ह्या लोकांमध्ये नेहमी सापाबद्दल प्रबोधन करत असतात आणि त्या प्रबोधनाचा एक भाग म्हणून इथे सुंदर सापाला पकडण्यात आलेला आहे। नमस्ते, हम आज जागतिक वन्यजीव सप्ताह मना रहे हैं और हमारे वन परिक्षेत्र कार्यालय मेहकर के विद्यमान वन परिक्षेत्र अधिकारी आरएफओ जी सुश्री प्रकाश जी सावळे सर है,
जो कि वन्य जीव संरक्षक है, कंजर्वेटर है और वन्य जीवों के प्रति वो अपना शासकीय केवल कर्तव्य ये भूमिका मन में ना लेते हुए ये अपना उत्तरदायित्व है और अपनी जिम्मेदारी है ऐसा समझ के हमेशा वन्य जीवों के प्रति प्रबोधन करते हैं और लोगों की सहायता करते हैं। लोग जा रहे हैं दोस्तों। नाग